कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था। उस वीडियो सीरीज में मैंने बिल्कुल बेसिक आपको ये बताया था कि शेयर मार्केट होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है और लोग निवेश क्यों करते हैं। मैंने एक राम का एग्जांपल लिया था जो कि बर्गर बनाता था और राम ने कहते छोटे से एक बर्गर के ठेले से स्टार्ट किया था, अपना एक आउटलेट बनाया, दिल्ली में भी 5 आउटलेट बनाया और उसको पैसों की जरूरत थी तो उसने लोगों से पैसा मांगना स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने शेयर्स दिए वगैरह वगैरह। आप वो सारी चीजें पिछले वीडियो में फाइंड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आप आई बटन में क्लिक करिए, अभी जाइए उस वीडियो को वॉच करिए। अगर आपने वीडियो को वॉच नहीं किया तो हो सकता है जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, तो पिछला वीडियो वॉच करके देन इस वीडियो में आइए जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। ऑलराइट, तो मैंने उम्मीद कर चुका हूँ कि आप पिछला वीडियो वॉच कर चुके हैं और ये वाली वीडियो में बिल्कुल ऐसा क्लास समझाऊंगा जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर सिखाते हैं ना, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड में लिख के सब कुछ। ऐसे ही मेरा प्रयास रहेगा इस वीडियो में समझाना, जिससे कि ना लोगों को आसानी पड़ती है जब हम ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखते हैं या फिर यू नो ऐसे स्मार्ट बोर्ड में कुछ लिखते हैं तो लोग ईजिली समझ पाते हैं, तो मेरा भी ये प्रयास रहेगा। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। देखो, पहला तरीका तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपने MBA करी हुई है या फिर आपने कुछ BBA करी हुई है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में आपने कुछ डिग्री पाई हुई है या फिर आप एक ब्रोकर ही हो तो आप तो फिर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि आपका फील्ड ही वही है, आपका फील्ड ही फाइनेंस में है। लेकिन वो कितना परसेंटेज है पूरे इंडिया का, वो शायद 0.0102% ही है। इतने लोगों ही शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान, मतलब कि फुल लिटरेसी इन शेयर मार्केट है कि उनका फील्ड ही ये है और वहाँ पे वो अपने फील्ड से नॉलेज से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बट मेरा प्रयास क्या है, मेरा प्रयास है आम जनता, घर की मम्मी, बूढ़े दादा, ऐसे इंसान या फिर एक 18 साल का नौजवान जो अभी कॉलेज जा रहा है और उसको अपनी फ्यूचर के लिए प्लान करना है, मतलब एक नौजवान आम आदमी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो पहला तरीका तो यही है कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप सिंपल इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है, आप एक ब्रोकर से बात कर लो, मतलब क्या है अगर आप पैसे कमा रहे हो, सैलरीड पर्सन हो या फिर हाउसवाइफ हो तो आपकी जानकार में कोई ब्रोकर होगा जो वही 0.1-0.2% लोग जिन्होंने फील्ड में कामयाबी या फिर थोड़ा नॉलेज हासिल की होती है उनसे आप बात कर सकते हो कि भैया बताओ कौन से शेयर्स बढ़िया है, उनको फाइनेंशियल प्लानर्स बोलते हैं, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे कि ये शेयर्स ले लो इस टाइम पे बेच देना, ये शेयर आज ले लो 2 महीने बाद बेच देना, 2 साल बाद बेच देना, हो सकता है कि 5 साल बाद बेच देना। तो वो आपको ऐसे कुछ कुछ अपना नॉलेज देते हैं और उनका करेंसी जो है वो उनका नॉलेज ही है। अगर आप शेयर्स खरीदोगे बेचोगे तो उन्हें मिलेगी ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब क्या, फीस, उनको फीस मिलेगी और उसी फीस से उनका गुजारा होता है, उसी फीस से उनका इनकम जनरेट होता है, वो इनकी करेंसी होती है, ठीक है। तीसरा तरीका है स्टॉक मार्केट में निवेश करने का जो कि है ये, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। तीसरा तरीका यही है स्टॉक मार्केट में निवेश करने का कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अब आप लोगों ने टीवी में देखा ही होगा क्या म्यूचुअल फंड सही है, आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा। आने वाले वीडियोस में आपको ये बता दूं कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, कौन से फंड बढ़िया है, आपको उससे पहले म्यूचुअल फंड समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या ये आपके लिए सही है। अगर ये आपके लिए सही नहीं है तो भाई लोग क्यों बोलते हैं कि ये सही है, तो हम लोग सारी बातें समझेंगे। अब स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड है क्यों। देखो इसको ना समझो एक तरीके से हॉस्टल एग्जाम्पल में, मान लो आप एक 18 ईयर ओल्ड हो, आप दिल्ली पढ़ाई करने आए हो, अब उस हॉस्टल के रूम में 5 जन रहते हैं, 5 लड़के रहते हैं, अब आप जब उस रूम में जा रहे हो तो उसका जो किराया है वो शेयर होगा, वो म्यूचुअली शेयर होगा, वो 5 लोगों में म्यूचुअली उसका जो फीस है, किराया है उस रूम का, वो म्यूचुअली बटेगा। सपोज वो रूम 5,000 का है तो सब लोग 1,000-1,000 रुपये देंगे और म्यूचुअली उसकी फीस चुकाएंगे, वही है म्यूचुअल फंड। मतलब क्या है, यू आर नॉट अलोन, आप अलोन नहीं है, यू आर नॉट अलोन, राइट, आप म्यूचुअली इन्वेस्ट कर रहे हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं MRF शेयर का, MRF शेयर आपने देखा ही होगा विराट कोहली के बैट में, तो MRF उसको स्पॉन्सर करता है, राइट, पहले सचिन तेंदुलकर स्पॉन्सर करते थे। अब MRF का एक शेयर कितने का है, MRF का एक शेयर है 95,000 का। अब 95,000 रुपए, ये तो बहुत 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 महंगा शेयर है भाई, एक शेयर ही 95,000 का। अब आप बोलोगे सर इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूं।
मैं तो MRF के शेयर्स खरीद नहीं सकता। अब मैं आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ जो कि म्यूचुअल फंड करती है। म्यूचुअल फंड क्या करती है कि भाई कोई बात नहीं, तेरे पास 95,000 रुपये नहीं है, तेरे पास 100 रुपये तो है, तेरे पास 100 रुपये तो होंगे, तो 100 रुपये दे दे अपने हमें और हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे। मान लो 950 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल है। अब 18 साल के बच्चों की डेली पॉकेट सेविंग 100 रुपये होती होगी, राइट? तो बच्चों ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, 100 रुपये बचा लेते हैं, आज बर्गर नहीं खाते, 100 रुपये हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग 950 बच्चे ऐसे हैं जो 18 ईयर्स के हैं और वो लोग अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 950 बच्चे को अगर MRF का शेयर चाहिए तो अब वो ले सकते हैं। कैसे? 950 बच्चे इंटू 100, तो क्या हुआ यहाँ पे, उन्होंने म्यूचुअली पैसे को इकट्ठे किए और म्यूचुअली MRF का शेयर लिया। यही होता है म्यूचुअल फंड। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है कि हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें तो आता नहीं, नॉलेज ही नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। देखो मेरा आइडिया बहुत सिंपल है, मैं आपको इतना ब्रेक डाउन करके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो गांव का बच्चा भी है ना वो भी समझ पाए। मैं नहीं चाहता कि गांव के बच्चे को म्यूचुअल फंड सुनते उनको लग जाए कि भाई हाथ कांप जाए कि नहीं समझ में आ रहा, तो इतना ईजिली मैं आपको इतना ब्रेक डाउन करके समझा रहा हूँ जिससे कि पूरा इंडिया हमारा, याद है पिछले वीडियो में हमने बोला 3% से 10% हम लोग इन्वेस्टर्स लेके आएंगे इंडिया में। तो मेरे ख्याल से यही तरीका है कि मैं आपको इतना डिटेल में बताऊं कि आपको समझ में आए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब चलते हैं हम लोग बड़े पिक्चर में। ये एक एग्जांपल था MRF का जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया एक शेयर खरीदने के लिए। ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपनियां होते हैं जैसे कि IDFC म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड, IDFC फर्स्ट बैंक म्यूचुअल फंड, ऐसे बड़े सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो आपको म्यूचुअल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देती है थ्रू म्यूचुअल फंड। अब जैसे निफ्टी 50 हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि 50 कंपनी में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड आपको इन्वेस्ट करने का मौका देता है, राइट? अब ये होता कैसे? सपोज आपने महीने का 1,000 रुपये से म्यूचुअल फंड का स्टार्ट किया। अब 1,000 रुपये जब आपने स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड का, तो आप अगर आपको 50 कंपनी खरीदनी, आप तो बोलोगे क्या बात कर रहे हैं भाई, 50 कंपनी क्या, HDFC के जो शेयर मैं अभी देख रहा हूँ गूगल पे वो तो 2,000 रुपये का है। देखो 50 कंपनी जो है आप फ्रैक्शन में खरीदोगे। इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर बाइंग अलाउड नहीं है। फ्रैक्शनल शेयर मतलब क्या, सपोज MRF एग्जाम्पल उठा लेते हैं, MRF का ये एक शेयर है, राइट? अब मान लो आपको एक शेयर नहीं खरीदना, आपको सिर्फ 0.1 शेयर खरीदना है, 0.1 शेयर। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, 0.1 शेयर तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ये US में पॉसिबल है, ये अलाउड है US में, अमेरिका में आप फ्रैक्शनल शेयर बाय कर सकते हो, इंडिया में नहीं कर सकते। लेकिन इसी फ्रैक्शनल शेयर को आप म्यूचुअल फंड के थ्रू बाय कर सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि आप अब यूनिट खरीद रहे हो। जैसे कि 95,000 रुपये का हो सकता है आपको 0.001 यूनिट मिल जाए MRF शेयर का, ये पॉसिबल है म्यूचुअल फंड में। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? देखो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था 18 साल के बच्चों का समझाने के लिए, बट 100 बच्चे जरूरी थोड़ी 100 बच्चे ही हो सकता है ये 1,00,000 हो, राइट? हो सकता है ये 1,00,000 हो, तब 1,00,000 होंगे, 10,00,000 लोग उसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा फंड का, जिसे बोलते हैं हम लोग AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसे बोलते हैं हम लोग AUM। अब AUM क्या होता है कि कितने लोगों ने उस म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं इकट्ठा, और अच्छा AUM स्कोर होता है 500 करोड़ रुपए। मतलब अगर उस फंड के पास 500 करोड़ रुपए है तो दैट फंड इज गुड। अभी 500 करोड़ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उससे कम अगर 100 करोड़ होगा, 50 करोड़ अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा तो ये गड़बड़ क्यों हुई, हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में। आज के वीडियोस में आप बस इतना समझ लो AUM क्या है। AUM ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे लोगों ने भरोसा करके पैसे दिए। भरोसा क्या, आप इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडिया की इकोनॉमी वो टॉप 50 कंपनी ही चलती है, बाकी कंपनीज रहते 5400 कंपनीज है BSE में, लेकिन टॉप 50 कंपनी है, टॉप 30 कंपनी है जिसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं उससे ही चलते हैं, वो ही डिसाइड करता है, डायरेक्ट करता है कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। मतलब आप ये समझ लो रिलायंस अगर बंद हो गया तो जियो का सिम बंद हो गया तो आधी इंडिया रुक जाएगी, वो बात ही नहीं कर पाएगी कॉल पे, राइट? नेट नहीं चला पाएगी, तो आप समझ सकते हो कितना ये मैटर करता है कि पहले के 30-50 कंपनियां कैसे कर रही हैं इंडिया की। सो एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़, ये अगर आपको बोले ना, सपोज आपका कोई दोस्त से रिकमेंड करे म्यूचुअल फंड, तो आप पूछो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट उस कंपनी उस फंड का क्या है। चलो
अगर इतना समझ में आ गया आपको अभी तक तो प्लीज हिट अप द लाइक बटन, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए। एएमसी क्या होता है? देखो, एएमसी होते हैं वो लोग जो इस फंड को मैनेज करते हैं। याद है मैंने वीडियो को शुरू में बोला था कि 0.1-0.2% लोग जिनको फाइनेंशियल ज्ञान है, उन्होंने वो डिग्री करी होती है IIM अहमदाबाद, यू नो IIM या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करी होती है, वही लोग होते हैं क्वालिफाइड लोग जो आपको फंड संभालते हैं। मतलब क्या है कि आप अपना पैसा एक क्वालिफाइड इंसान को दे रहे हैं और यही क्वालिफाइड इंसान आपके पैसे संभालने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए 1-2% का एक फीस लेता है अपना। अब सुनने में तो बहुत कम लग रहा होगा कि 1-2% इतना फीस तो चलता है यार, रिटर्न का दे देंगे 1-2% क्या कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि 1-2% कितना ज़्यादा आपके पैसों को खा सकता है। 1-2%, अब आप बोलोगे सर अगर इसी बंदे को 1-2% दे रहे हम लोग तो हमें कितना मिलेगा। देखो पिछला वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर आप FD में लाओगे तो FD में हम लेंगे 6-7% रिटर्न, राइट। लेकिन उसी पैसे से आपको एटलीस्ट 12% रिटर्न मिलता है स्टॉक मार्केट में। आपने तो बोलता है 16% मिलता है, 16% तो हिस्टोरिकल है, 1979 से 2023 तक 16% मिला है। लेकिन मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चल रहा हूँ कि मानो इतना नहीं मिला और लास्ट के 20 साल में 12% मिला, और 12% तो मिलेगा उसका एक, मैं आपको छोटे में बता देता हूँ, GDP से मैटर करता है स्टॉक मार्केट, और GDP क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में। प्लीज़ अभी बहुत सिंपल रखते हैं इसको, ज़्यादा हम लोग डिटेल में जाएंगे आने वाले वीडियोस में, इसलिए मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ जिससे कि हर एक छोटा बच्चा समझ पाए क्या क्या है। तो हमको एटलीस्ट 12% तो चाहिए, 12% तो चाहिए हमें सालाना। अब 12% बोलोगे हाँ ठीक है 1-2% तो दे देंगे कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगा। अब AMC क्या करते हैं, ये जो एक्सपर्ट्स है AMC जो हम लोग बोलते हैं और 1-2% ले रहे हैं, भले ही थोड़ा ज़्यादा है लेकिन FD से फिर भी आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। समझते हैं कैसे। अगर AMC के पास आप जाओगे डायरेक्टली और बोलोगे कि मुझे ये फंड खरीदना है, मेरे पास 2,000 रुपये ही है या मेरे पास 5,000 रुपये ही है, आप मुझे रिकमेंड करो, तो AMC बोलेगा इतनी तो मेरी फीस होती है बस 2 मिनट के लिए बात करने के लिए। लेकिन बड़े सारे लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये AMC अपना दिमाग लगाता है, इसकी रिसर्च टीम होती है, ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा चेक करता है और ये फाइंड करता है कि कब मैं कौन से स्टॉक्स खरीदूं, कौन से स्टॉक्स बेचूं, किस टाइम पे नए शेयर्स ऐड करके अपने जो म्यूचुअल फंड में जो हमारे 1,000-1,00,000 लोग हैं जिनका पैसा इन्वेस्टेड है उनके लिए मैं भला करूं। तो ये आपको एक तरीके से 1,000-2,000 रुपये में एक एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है जो आपको पर्सनली कभी नहीं मिलेगी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बोलोगे सर मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, मेरी तनख्वाह ही 15,000 है, उसमें 1,000 रुपये डाल सकती हूँ बचा के जो सेविंग मैंने बचाई है। अगर आप बोल रहे हो 6-7% से ज़्यादा 12% मिल रहा है और ज़्यादा अच्छा मुनाफा हो सकता है मुझे, तो मैं 1,000 रुपये डालने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास ना 1,00,000-10,00,000 बड़ा अमाउंट नहीं है, मेरे पास महीने का 1,000 रुपये ही है। तो यही तो गजब बात है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में आप 1,000 के आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 500 रुपये से म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपये से। अगर आपने गलत सुन लिया तो मैं लिख ही देता हूँ। आप बोल रहे हो कि 500 रुपये से आप शेयर मार्केट में एंट्री मार रहे हो, क्या ये सुनने में आसान लग रहा है? 500 रुपये अगर मैं उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ तो $6। 1,000 रुपये मान लेते हैं उस बंदे का, तो 1,000 रुपये सेव कर रहा है और इन्वेस्ट कर सकता है। अब आप बोलोगे सर कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसमें, इसमें इन्वेस्ट करते हैं ECS के थ्रू, इसको हम लोग मैंडेट बोलते हैं। मैंडेट हम लोगों ने देखा ही होगा, सपोज आपने मोबाइल लिया है 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का, तो हर महीने किश्त कटती है 1,000-1,500। हाँ किश्त समझ लो, सिंपल इन हिंदी में किश्त कटती है, वैसे ही किश्त कटेगी यहाँ पे आपके SIP की। हर महीने 1,000 रुपये आपके बैंक से जाएगा इस म्यूचुअल फंड में, या फिर जो भी आपको चाहिए, ऐसे 1,000 म्यूचुअल फंड है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस म्यूचुअल फंड में हम लोग ऐड करेंगे पैसे को और ये आपको लॉन्ग टर्म में, देखो अगेन यहाँ पे एक कहावत है कि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज इन्वेस्ट योर मनी केयरफुली, है ना। तो ये जो भी मैं 12% बोल रहा हूँ ना, आपने तो पिछले वीडियो में देखा होगा 1979 to 2023 में कह रहा था। और जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो एटलीस्ट 5 साल का आपको 5 years आपको होराइजन रखना पड़ेगा, आपको 5 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे 5 महीने पैसा मिल जाए, FD नहीं है ये, राइट, या सेविंग अकाउंट नहीं है कि आपको 3-4% जो को मिलता है आपको तुरंत कभी भी निकाल सकते हो। ये आप इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे अभी मंदी चल रही है, आज के टाइम पर अगर सोचो कि मैं 5 महीने में अपने पैसे निकाल दूँ
तो गलत तरीका है। आपको मिनिमम 5 साल का होराइजन रखना चाहिए और बेटर ये है कि 10 साल प्लस हो, 10 ईयर्स प्लस। अब मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ 10 साल जिनको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता। गांव में एक लड़का भी ये वीडियो देख रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कह रहा हूँ 10 साल तो मिनिमम हो। अगर आपकी उम्र 20 साल है, अगर 30 साल में आपको 12% तो मिल ही जाएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मिल ही जाएगा 10 साल में 12%। अगर आपका अभी बैंक अकाउंट में SBI बैंक अकाउंट में 2.5-3% दी जाए तो उसके हिसाब से 4 गुना पैसा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया है, कुछ छोटे में नहीं है क्या? देखो बड़े सारे म्यूचुअल फंड छोटे में भी होते हैं, 1, 2, 3, 4 साल, लेकिन वहाँ मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई भी आपको म्यूचुअल फंड 5 साल से कम का बता रहा है, एटलीस्ट 5 साल तो होना चाहिए कम का बता रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट मत करो। वो क्या करते हैं, वो 3 साल का हिस्टोरिकल डेटा दिखाते हैं कि 25% रिटर्न मिला, 25% ये तो 12 का दुगना है, में डालो 25% पास परफॉर्मेंस में। अगर आप नीचे पढ़ो ना, बहुत छोटे में लगते हैं वो लोग कि पास परफॉर्मेंस जज नहीं करना चाहिए, और कर तो यही रहे हैं कि पास परफॉर्मेंस आपको बता रहे हैं लेकिन खुद बना करते हैं कि मत देखो उसको, छोटे से पॉइंट में होते हैं स्टॉक मार्केट में तो 25%। लेकिन अब दोबारा ये आएगा वो गारंटी देंगे नहीं, वो लोग वो गारंटी नहीं देंगे, लेकिन 12% पक्का आएगा GDP के हिसाब से, हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन 12% तो पक्का आएगा ही आएगा। सो डोंट गो विथ 3 ईयर्स 5 ईयर्स परफॉर्मेंस, हो सके तो एटलीस्ट 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उस म्यूचुअल फंड का, जिससे कि आप इजीली इन्वेस्ट कर पाए। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और कॉमन चीज़, जैसे ये 1000 रुपये वाला जो बंदा था उसने बोला कि मेरी ये पगार बढ़ गई है, अब मुझे 2000 रुपये लगाने हैं, तो अब क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आप 2000 कर सकते हो, आप चाहे तो 1000 को 500 भी कर सकते हो SIP में, कोई दिक्कत नहीं, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं इन चीज़ में, राइट? तो आपको ये समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म नहीं लगाना, एटलीस्ट 5 साल, एटलीस्ट बढ़िया ये रहेगा 10 साल के ऊपर पास परफॉर्मेंस में नहीं जाना। अगर इतना आपने सीख लिया तो प्लीज़ हैव अ पैट ऑन योर बैक कि म्यूचुअल फंड में आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि आप कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों में छोटे से अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हो जो आप एक्चुअल में नहीं कर सकते। जैसे हमने MRF का एग्जांपल देख लिया था 1 शेयर से, बट आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप MRF के शेयर्स भी ले सकते हो, क्योंकि आपको फ्रैक्शनल तरीके से, जैसे हमने देखा था फ्रैक्शनल तरीके से आप इस कंपनी को बाय कर रहे हो। इतना आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, और ये भी समझ में आ गया कि एटलीस्ट 12% आपको रिटर्न मिलेगा। सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ बढ़िया है, आपको AMC मिल रहा है, एक एक्सपर्ट मिल रहा है आपको, यहाँ पे पैसा देख रहा है आपका, राइट? आपको कुछ 1000 रुपये में एक करोड़ों का बंदा मिल रहा है जो आपको एडवाइस कर रहा है, पैसों को संभाल रहा है। AUM 500 करोड़ में देख लिया कि बड़े फंड में पैसा डालना चाहिए, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। 16% का रिटर्न हिस्टोरिकल है, 12% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा नेगेटिव भी देख लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। देखो म्यूचुअल फंड में एक चीज़ होती है एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्चुअली कोई गलत चीज़ नहीं है, ये एक्सपेंस रेशियो बस फीस होती है 1-2% जो मैं आपको बता रहा था, बट कुछ कुछ फंड 3% भी एक्सपेंस रेशियो ले लेती है, यही सपने दिखाते हुए कि 25 में 3 काट दो तो मैं 22% तो रिटर्न मिल ही रहा है और वो हमें देते रहना, लेकिन ये गलत है, राइट? लोग को नॉलेज नहीं होती है, तो ऐसे फंड में मत जाना। एटलीस्ट 1% से कम, मुझे नहीं पता कि वीडियो में कैसे आ रहा होगा ये, कि 1% से कम वाले आपको फंड में जाना है। तो बहुत लोग ना आपको बोलेंगे आ जाओ 25% दिखा के और हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, बहुत लोगों को 25% का रिटर्न मिला है, बहुत जनता 90% जनता इस चंगुल में फंस जाती है। वो सिंपल 25% के लालच में 3% दे देंगे और उनका काम यही होता है म्यूचुअल फंड वालों का कि जितने ज़्यादा लोग आ जाए हमारे फंड में उतना उनका AUM बढ़ेगा। और सपोज ये 500 करोड़ से आप स्टार्ट कर रहे हो, उनका AUM हो गया 10,000 करोड़, 20 गुना। अब ये और दिखाएंगे इतने सारे लोगों ने हमारे फंड में भरोसा किया है, तुम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान लोगों का होता है, उनका तो फायदा होता है, तो इस चंगुल में नहीं फंसना। आपको 1% कम 1% बहुत बोल रहा हूँ मैं, आने वाली वीडियो बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो ही होगा, चिंता मत करो, मैं बहुत सारे आने वाली वीडियोज बोल रहा हूँ लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो ही होगा। ओके, अब आप बोलोगे ठीक है, सपोज मार्केट ऊपर जा रही है, सपोज मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रही है। अब जब ऊपर जाती है ना मार्केट, तो AMC वाले बंदे को ऊपर पे पैसा लगाना पड़ता है। मान लो आप पेट्रोल भरवाने जा रहे हो अपनी बाइक पे, अब पेट्रोल का वैल्यू अभी 100 रुपये है, 100 रुपये के पेट्रोल पर लीटर मिल रहा है, राइट? सपोज आज है May 15 और अगले महीने है जून, तो आपको पता लगा कि आज 100 रुपये का पेट्रोल अगले महीने जून 15 को हो जाएगा 150, तब क्या करोगे? आप तो अपने बाइक में पूरा टंकी फुल करोगे
और हो सके तो 15-20 लीटर पेट्रोल रख दो घर में, कि मुझे पता है कि भैया ये जो पेट्रोल का दाम है 150 हो जाएगा अगले महीने, तो अभी मैं जमा कर रख लूँ जिससे कि मेरी सेविंग्स हो जाए, राइट। बट एम्स के ऐसा अलाउड नहीं है। अब जो सेबी बोलते हैं, जो सब कुछ पूरे म्यूचुअल फंड को SEBI सेबी है, वो बोलते हैं अब ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऊपर में भी खरीदना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपने पेट्रोल भरवाया, आपने फुल टंकी करी है, तो एक्स्ट्रा जो 20 लीटर का पेट्रोल लेकर आए हो अपने घर में, वो अलाउड नहीं है आपको। आप फुल टंकी कर सकते हो, और जब 150 का हो जाएगा पेट्रोल, आपको फुल टंकी तब भी करना होगा, आप एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके नहीं जा सकते घर में, स्टोर नहीं कर सकते। ये कुछ यही तरीका है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ निवेश किया है, आपको यहाँ पे भी निवेश करना पड़ेगा उतना ही, आपको यहाँ पे भी निवेश करना पड़ेगा उतना ही, अपने को यहाँ पे भी निवेश करना पड़ेगा उतना ही। अब उतना ही क्या बोल रहा हूँ मैं, या हमने चीज़ सीखी थी यूनिट, मतलब क्या, अगर आप 1% का यूनिट बाय कर रहे हो, तो आपको 1% का यूनिट बाय करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे सेबी रेगुलेशंस बोलते हैं इसको हम लोग, रेगुलेशंस, आपको समझ में आ गया वो रेगुलेशंस दिखाए मैंने। तो ये कुछ कुछ रूल्स होते हैं, और ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है AMC वाले बंदे पे कि उसको सेबी के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और जब मार्केट गिरता है, और जब मार्केट यहाँ पे मान लो गिर रहा है, अब उसको मन क्या करेगा कि मैं और खरीद लूँ, छोटा छोटा है मेरे को बड़ा बड़ा और मैं शेयर्स खरीद लूँ अपने इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन सेबी का रूल क्या है, वो बोलता है आपको यूनिट के जैसे ही खरीदना पड़ेगा, आपको यूनिट की जैसे ही खरीदना पड़ेगा, आपको 1% यूनिट खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली स्टॉक्स को खरीदे होते, सपोज मान लो ये जो AMC वाला बंदा है अपने लिए ही खरीद रहा है, हाँ लोगों के लिए तो खरीद ही रहा है, लेकिन अपने लिए अलग से उसने अकाउंट बना रखा है और अपने लिए खरीदा, तो इसकी मर्जी चलेगी। फिर इसको जितना खरीदना है नीचे, जितना बड़ा अमाउंट में खरीद, जितना पैसा है इसके पास वो लगा सकता है। लेकिन ये बंदा म्यूचुअल फंड में, अपने ही फंड में ये तरीका अपना नहीं सकता, और यही एक बड़ा ड्रॉबैक है AMC के साथ। देखो, वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा था 1999 में कि आपने 20% अपने लिए ग्रोथ को जनरेट किया है, अगर आपको अभी इतना पैसा जो अभी आपके पास है, क्या दोबारा उस पर 20% ग्रोथ कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो? तो उसने बोला नहीं, अब वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब AUM इतना बड़ा हो गया है, इतने रेगुलेशंस आ गए हैं उनके, वहाँ पे फेड बोलते हैं, जैसे इंडिया में सेबी है उनके यहाँ पे फेड बोलते हैं, राइट। तो उनके यहाँ पे फेड ने मना किया हुआ है कि आप कोई एक लिमिटेशंस है म्यूचुअल फंड वालों को, AMC पे एक लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन से आप ऊपर आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, ठीक है। आई थिंक आपके दोनों पॉइंट समझ में आ गए, दो बड़े प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड के, राइट। अब बात करते हैं इसके यूजर्स। अब यूजर्स क्या है, देखो जैसे हम लोगों ने देखा कि 1979-2023 एक लॉन्ग टर्म पे ही मार्केट ने 16% का रिटर्न दिया है, तो आप ना म्यूचुअल फंड को एज अ लॉन्ग टर्म गोल सोचिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, कि अगर आप 31 साल के हो, आपकी शादी हो गई, आपकी बच्ची भी हुई है, बच्चा हुआ है, और आपको उसको पढ़ाना है, आपको उसको लंदन भेजना है, तो 25 साल के बाद उसके जो खर्चे होंगे एजुकेशन या मैरिज, आपकी लड़की 25 साल की हो गई है, मैरिज, या फिर आप बोला बच्चे तो ठीक है, मुझे अपने लिए भी करना है, तो ट्रिप्स, वेकेशंस, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म जो गोल्स है ना, वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ये म्यूचुअल फंड सही है, यहां म्यूचुअल फंड बहुत सही है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 10 साल और उससे ज़्यादा, बेस्ट यही रहता है कि 20-30 सालों, कंपाउंडिंग का पावर और मैजिक समझ में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है, शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। अब आप बोलोगे सर वेकेशन में ना लग्जरी ऐड कर दो। लग्जरी मतलब क्या, कि अब आप जेट में जा रहे हो, अब आप आइलैंड में घूम रहे हो, तो ऐसे कुछ कुछ फंड्स हैं जहाँ पे आपको 12-24% 36% मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा उस पर मत जाओ। लेकिन अगर आपको रिस्क एपिटाइट है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कुछ बड़ा गेम खेल सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा, तो मैं आपको ऐसे फंड से बताऊँगा, बट वो बहुत रिस्की, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप म्यूचुअल फंड से कमा सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ गो फॉर 12%, ज़्यादा लालची नहीं बनते, मैं आपको 24% वाले फंड से बताऊँगा, वो ये नहीं होंगे, वो 3% के एक्सपेंस रेशियो नहीं होंगे, लेकिन तरीके हैं आगे बढ़ने के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो यूज़ केस समझ में आ गया, म्यूचुअल फंड आई थिंक बिल्कुल बेसिक से मैं समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे एक
एक तरीके से मेरा गोल अचीव होता है कि मुझे अपने कम्युनिटी को बड़ा करना है, हमें अपने कम्युनिटी को बड़ा करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया है और उनको शेयर मार्केट सुन के, म्यूचुअल फंड सुन के उनकी घबराहट ना हो, वो समझे, सीखे इसको और अपने लाइफ में पैसे कमाए। देखो ये जन्म सिद्ध अधिकार है, जो 16% है ना, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। 12% तो है ही, पर 16% ये जो आप लोगों की ही मेहनत से, आप लोगों के इनपुट से, आप लोगों के ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज से 16% हमारे देश ने कमाया है। तो आपको इतना तो मिलना चाहिए। और कैसे मिलेगा? अपने दोस्तों से शेयर करने में, अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करने में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में इजीली समझा पाऊँ, बिल्कुल देसी इजी भाषा में, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई बड़े बड़े टर्म्स नहीं। बड़े टर्म्स मैंने यूज भी किया, AMC, AUM, राइट, यूनिट वगैरह, मैंने उसको बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन यू गो एंड अर्न फ्रीडम।